सरायकेला खरसावां जिले के दलमा में शिकार पर्व को लेकर वन विभाग अलर्ट पर रही। दलमा जाने वाले सभी मार्गों पर वन विभाग की टीम मुस्तैद नजर आई। शिकार पर्व को लेकर वन विभाग के कई पदाधिकारी भी सक्रिय रहे तथा निगरानी करते दिखे। इसके बावजूद ग्रामीण पारंपरिक हथियार लेकर दलमा में चढ़ने में सफल रहे। वन विभाग की टीम ने दलमा तराई क्षेत्र में अभियान चलाकर शिकार करने के लिए साथ ले जा रहे जाल फांस को जब्त कर लिया तथा शिकार करने जा रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हम लोग की टीम जो है रेलवे स्टेशन निमली इस स्थान को निगरानी आसनबरी इन स्थानों को निगरानी कर रहा है। खास करके उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो बंगाल की तरफ से ट्रेन से आकर के यहाँ बैठे हैं, उनको रोकने का कड़ी रूप से प्रयास किया जा रहा है। अभी तक उसमें काफ़ी सफलता मिली है और डर से कोई भी शिकारी स्टेशन के आसपास या आसपास के जंगल में नहीं उतरे हैं। अगर वो चढ़े भी होंगे तो डर के मारे सीधे जमशेदपुर की ओर चले गए और कोई भी शिकार इस तरफ से पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। एक नाका रघुनाथपुर में लगा हुआ है, निमली में लगा हुआ है और रेलवे स्टेशन के पास घुसे हैं। मुश्किल से 50-55 लोग घुसे होंगे और काफ़ी हम लोग सेंसिटिव पॉइंट्स पे सभी जगह लगभग 11 चेक नाका हम लोग गठित किए थे और 17 पेट्रोलिंग रूट पे हम लोगों ने पेट्रोलिंग टीम लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी जिसमें हर एक गांव में आपको जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। लोगों को गाँव के बीच में जो है वो चलचित्र वगैरह मूवी दिखाया गया था जानवरों की सुरक्षा के लिए, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ा है। इस वर्ष कोई भी जाल फांस वगैरह बरामद नहीं हुआ है कोई भी सेंसिटिव रूट से, तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी शांतिपूर्ण और अच्छे